आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि कैसे आखिर वो टंकी फटा। भैया ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान। सुल्तान जी वो टंकी कैसे फटा? क्या बात कर रहे भैया, टंकी कैसे फटा? क्या टंकी यहाँ पे था, हमसे आके पूछा कि भैया क्या मैं फट लूं? मैंने कहा फट लो और वो फट गए। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need a pick. राशन कार्ड बना है, दौड़ा बना है, कुछ नहीं बना है। मुखिया बहन चो सब पैसा खा जाता है ग्राम आई चोदो। कितना पैसा लिया? 1500 लिया। हम मांगे गए तो पैसा थमा देता है, कहता है बहन चो सूद कौन देगा? तो 6 महीना तुम रख ले तो पैसा का सूद कौन देगा? Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. पटना के पास बिहटा में आए और यहाँ देखेंगे कि लोगों का क्या रवैया। सब्जी लाने, सब्जी लाने, मार्केट बंद है सब्जी का। मार्केट खुला है, आएंगे? आगे नहीं खुला, हम अभी देखते हैं। अभी खुला है, आगे चलिए दिखाते हैं आपको। इतने ज्यादा एक साथ लोगों के साथ फिर रश लगा के क्या कुछ तकलीफ है आपको? पहला बार की तो आप ही को देखने के लिए ज्यादा यहाँ भीड़ हो गया है। लौड़ा का सरकार है। इससे सच्चाई पता चलती है और ये हिंदुस्तान है, यहाँ नियम कायदे बनते हैं और बस बनते ही रहते हैं और टूटने के लिए बनते हैं, जो कि सच्चाई है। आप जेब में 500 की नोट डालिए, आप इस चौराहे से उस चौराहे तक ना गाड़ी कागज लीजिए। मैं जिस गाड़ी से आया हूँ ना, इसके कागज है ना पेपर है, बस हेलमेट लगा है। कागज है न डीएल है, बस हेलमेट लगा है। जेब में 200 की नोट रखी है, कोई मिलेगा पकड़ा दूंगा, आगे चला जाऊंगा। आज इनकी टीआरपी कम, उसको कंपनी वाले प्रचार कम देंगे। अब देखिए ना स्टार प्लस पे भयानक, उनको भी पता है कि महिलाएं देखती हैं तो प्रचार देगा। ये देखिए फेरल लवली मात्र 4 हफ्ते में चमगादड़ से परी बन गई है। मैं पूछना चाहती हूँ, संसद में जब लोकपाल के ऊपर चर्चा चल रही थी तब आप सो क्यों गए थे? सोने का मेरा भाषण नहीं सुनी सर, उससे पहले आप सोए थे। भाषण देने के बाद आप बता रहे हैं। बेटी सुन, आप उसमें सोते नहीं, आंख बंद करके मनन करता हूँ। मेहरबानी नहीं कर रहा है बहुत फ्रेंड्स, बनाना चाहता हूँ मैं मोहब्बत से आड़ा नहीं। एक तो हमारे पड़ोस में एक आदमी को लड़का हुआ, उसे जो पैदा होते लगने बोलने लगा बाबर, हुमायूं, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय। ससुरा सब हम पे शक करने लगा से कि खान सर का लड़का है। अब तो ससुरा मोहल्ला में कोई तेज उज लड़का पैदा होता है तो हम डर जाते हैं, फिर हमरे पे बोलेगा। ये मेरे देश की चड्डी, सोना उगले, हीरे उगले और उगले मोती। ये है मक्खन, ये है मलाई, राजबाड़े से मंगाई और एयर खड़ी में लुटाई। ये शेर के पिंजरे, शेर के पिंजरे, कान फटे मगर चड्डी ना फटे। सुनिए आप, अभी इतिहास की बात आई है तो अभी बताते हैं, राजा वाली बात बताते, लड़कियों पे सूट करता है। तो उस राजा ने अपने यहाँ के सबसे बेहतरीन शिक्षक को बुलाया, ये भला नहीं करो, सबसे बेहतरीन शिक्षक को बुलाया और उनको कहा कि आप मेरे समाज में जितने ओरिजिनल गधा जानवर जो थे चार पैर वाला, इसको भी शिक्षा दीजिए। तो कहा कि भाई इसको कैसे शिक्षा देंगे? तो कहा कि हाँ, एक महीना का टाइम दिया गया टीचर को और एक बड़ा सा हॉल में 10-15 गधों को रख दिया गया और उसमें टीचर को घुसा के बाहर से बंद कर दिया गया, अंदर खाना पीना सब था। ये इंतजार में थे लोग कि जब एक महीना बाद क्लास खुलेगा तो गधे भी कुछ इंसानियत सीख गए होंगे। तो गधों को जब टीचर को बोला, जब राजा टीचर को बुलाया, कितना पढ़ाए हैं मास्टर साहब गधों को? तो मास्टर जानते हैं क्या बोला? उं, 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 उं।
पैसे को परछाओ पहले नो थैंक्स, कोई किस पे मेहरबानी नहीं कर रहा है। जितने देश है ना वहाँ के लोग एकदम मंगरेला की तरह काला होते हैं, इतना भयानक काला होता है सर कि उनको देखकर हिंदुस्तान का अगुआ भाग जाएगा दुल्हन की तरह। लेकिन जितना सुंदर लड़की होती है सब ना, बहुत सुंदर लड़की, वो देखिएगा जब टेढ़ा लड़का पसंद करती है सर। सुंदर लड़की को बुद्धि पता नहीं कहाँ होता है। एक्चुअली भगवान जो है ना सुंदरता बनाए, देखिए अगर किसी चीज में समय देंगे तो दूसरे चीज से समय काटना पड़ेगा। तो भगवान जिसको सुंदर बनाया ना, खूब सुंदर, तो उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से समय काट लिया। तो जो बुद्धि बना रहा था तो बुद्धि ये काट लिया। तो जितना देखिए जितना सुंदर लड़की की नहीं सर, अजबे सबसे फसल लाती है सर, एकदम खौराइल रह गया। रेखा से दूर जाएंगे ठंडी पड़ेगा और लोग गोरे हो जाएंगे, और ऊपर जाइए और गोरे होंगे, और ऊपर जाइए और गोरे होंगे, सबसे ऊपर चले जाइए कश्मीर, चले जाइए कश्मीर, कश्मीर में खूब ठंडा, कश्मीर की कली वाह वाह, समझ में आ गया। वहां कोई फेरन लवली की जरूरत नहीं है, कश्मीर के लड़का लड़की सब गोरे होते हैं। और नीचे दक्षिण भारत में देखेंगे तो सब झोंसल मिलता है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है जो नींद को नहीं लगने देता है, और चाय में थीन पाया जाता है जो थकने नहीं देता है। तो अगर आपको थकान हो गया है तो चाय पीजिए दूर हो जाएगा, नींद लग रहा है तो कॉफ़ी पीजिए भाग जाएगा। लेकिन यूपी बिहार वाला आदमी एक्स्ट्रा टैलेंटेड होता है, चाय बनाता है उसमें तनी सा कॉफ़ी डाल देता है, थकान और नींद दोनों गायब। Don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love.